ये मैचिंग का सवाल है, लिस्ट वन और लिस्ट टू को मैच करना है। ठीक, सबसे पहली चीज देखिए यहाँ पर गिवन है लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होता है, जो रिसोर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। ठीक, ये रियलिस्टिक ग्रोथ होती है जो कि हमारे एनवायरनमेंट में हमारे डेली लाइफ में देखने को मिलती है। तो लिमिटेड रिसोर्स अवेलेबिलिटी कंडीशन, यानी कि एक का मैचिंग हो जाएगा दूसरे के साथ, किसके दूसरे के साथ। ठीक, एक का सेकंड सभी में है। फिर देखिए बी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में रिसोर्स अनलिमिटेड होते हैं, मतलब खाने पीने की रहने की कोई दिक्कत नहीं है ऑर्गेनिज्म के लिए, तो वो दिन दूनी रात चौगुनी ग्रोथ करेगा। ठीक, तो बी का हो जाएगा पहला, अनलिमिटेड रिसोर्स अवेलेबिलिटी। अब बी का पहला सिर्फ एक में है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट बन गया। आगे देखते हैं, एक्सपेंडिंग एज पिरामिड। अगर कोई एज पिरामिड एक्सपेंड कर रहा है तो उसमें प्री रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म ज्यादा होंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव से और रिप्रोडक्टिव से भी। ठीक, तो गिवेन है परसेंटेज इंडिविजुअल ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एज इज लार्जेस्ट फॉलोड बाय रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव, यही ऑप्शन मिल जाएगा सी का थर्ड। फिर है स्टेबल एज पिरामिड। स्टेबल एज पिरामिड में प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म दोनों बराबर होते हैं। तो परसेंटेज इंडिविजुअल्स ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव एज आज एज ग्रुप आर सेम। ठीक है, तो डी का हो जाएगा फोर्थ, और फर्स्ट ऑप्शन इस तरह से हमारा निकलेगा। थैंक यू।